वंदे भारत आज सुबह भोपाल से निकली है और दिल्ली के सफर पर है। झांसी के पास हम लोग इस टाइम रुकी हुई है। गाड़ी C4 डिब्बे में पैसेंजर के खाने में कीड़ा निकला है। ये पैसेंजर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनके खाने में ये कीड़ा निकला है और बड़े अजीबोगरीब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर खाने में होता तो वो मैश हो गया होता, मैश हो गया होता तो किसी को पता ही नहीं चलता, वो और वो दुर्भाग्यपूर्ण होता। मगर वहाँ ऊपर गार्निशिंग की तरह रखा हुआ था कीड़ा और वो मिला है सबको। सारे ही पैसेंजर इस बात से हतप्रभ हैं कि सब ऑलरेडी वो खाना खा चुके हैं। खाना खाने के बाद पता चला कि वो एक पैसेंजर की उपमा में कीड़ा निकला है। अब सब टेंशन में ये है कि आगे और लंच भी आने वाला है और भी कुछ कुछ आने वाला है, तो खाएं या ना खाएं। हालांकि एक जिसके पैसेंजर में खाना में कीड़ा निकला है उसमें TC बोल के गए हैं कि हम यहाँ पर चेंज करा देंगे, झांसी से उनको दे देंगे, बट हम सबका क्या जो हम खा चुके हैं। रेलवे प्रशासन थोड़ा ध्यान दे, रेलवे मंत्री थोड़ा ध्यान दे। वंदे भारत मोदी जी का सपना था, देश की शान बनने की कगार पर था, लेकिन उस सपने को तोड़ने में रेलवे प्रशासन को जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वंदे भारत में कोई पहली बार कीड़ा निकला हो। ऐसी घटनाएं हमेशा वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेन में होती रहती हैं और रेलवे की नाक कटवाती रहती हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि यहाँ के अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आते हैं, इनका एक्शन लेने में बिल्कुल विश्वास नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि कैटरिंग सर्विस और सब की आपस में मिली भगत है और ये लोग एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं। मैडम, मैंने जो सोल्यूशन था, प्लीज मैं सुनिए मैडम, मैं यहाँ पर जो भी चीज क्लियर थी मैं एक चीज क्लियर कर चुका हूँ कि इसमें कैटरिंग का जो भी मिस्टेक है वो निश्चित एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, हम उसके लिए ऑथराइज नहीं है। हाँ, एज ए विटनेस हम लिखा पढ़ी आगे करेंगे इस बारे में। वो नोटबुक में कर रहे हैं चेंजिंग चेंज करके वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं, दूसरा मंगा के मैं दूसरा कंपनी के ऑफिसर वो एक पैसेंजर को देखिए प्रोसेस वही करेंगे। कीड़े वाला खाना खा के बैठे अभी इसके लिए रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। पूरा ऊपर से आया हुआ कीड़ा है, क्या है कि अगर उसमें क्या है कि पैकिंग के दौरान अगर उनके खाने में निकला हमारे खाने से क्या है उनके खाने में गया, कोई भी चीज उबलती है खाना बनता है तो उसमें वो महसूस हो जाता है। अगर बनता कोई भी चीज जो नहीं नहीं रखा हुआ नहीं है जो ऊपर से जो किचन के अंदर क्या है कि सफाई होती है कहीं सब्जी के सब्जी से निकला हुआ कीड़ा है तो वो चीज है तो उसको मैं खाना एक साथ पैकेट पैकिंग पैकिंग करते हैं उस टाइम पे बहुत सारा खाना होता है तो वो कहीं से आ गया है बनते हुए में उसको चेंज कर पता भी नहीं चलता समझ के खा लेते।